नमस्कार साथीहरू, फेरि म आज तपाईँहरूको समक्षमा आइरहेको छु। कारण किनभनेदेखि हामी एउटा इन्डियन आर्मीको एउटा रिटायर मान्छेको एउटा समाजमा के एउटा योगदान हुन्छ त्यस विषय लिएर म हजुरहरू समक्ष आइरहेको छु। विशेष गरेर हजुरहरूसँग म जान्न चाहन्छु अनि म इन्डिया गभर्मेन्टलाई म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु कि जस्तो प्रकारले विगतको दिनमा पत्लेबासमा या लिम्बू बस्तीमा जुन चाहिँ प्रकारको घटना भयो त्यसको म एकदम ज्यादा मतलब एउटा इन्डियन आर्मी हुनुको नातामा म एउटा दुःख प्रकट गर्छु। अनि जो त्यहाँनिर सब इन्सपेक्टर को जो देहान्त भयो त्यसमा मलाई धेरै दुःख लागेको छ किनभनेदेखि हामीले एउटा देशको जो छ हाम्रो एउटा वीर पुलिस अफिसरलाई हामीले गुमाएको छौँ। किनभनेदेखि यहाँ एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामीमाथि गोर्खाहरूमाथि इल्जाम लागिरहेको छ, गोर्खाहरूलाई हामीलाई जबरजस्ती टेररिस्ट बनाउने कोसिस भइरहेको छ है। त्यस कारणले गर्दा म इन्डियन गभर्मेन्टलाई म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु कि यसको जो छ निष्पक्ष तरिकाले खोज, यसको निष्पक्ष तरिकाले यसलाई जनताको अगाडि ल्याइदिजाओस् र यसलाई एनआईएको जो के अरे जाँच गराइदिजाओस्, यसमा सत्य तथ्य निस्कियोस्। यदि हाम्रो मानिसहरूले गल्ती गरेको भनेदेखि सजा हुनु चाहिन्छ, किनभनेदेखि जो शहीद भयो जो सब इन्सपेक्टर मलिक अमिताभ मलिकजी अनि उनको घर परिवारको जो जति पनि परिवार छ उहाँहरूलाई पनि हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो चिज हामीले गरेको होइन भनेर। किनभनेदेखि यदि हामीले गरेको होइन भनेदेखि हामी उहाँहरूसँग कुनै पनि प्रकारको उहाँहरूको मनमा कुनै पनि प्रकारको गोर्खाले गरेको भन्ने कुरो भावना नहोस् भनेर म यो अपिल गर्न चाहन्छु। अनि म हिन्दीमा बोल्न चाहन्छु किनभने हिन्दीमा बोल्नु जरुरी छ, पुरा भारतभरिको मान्छेले बुझ्नु पर्यो यो चिजलाई। सबसे पहिले त म सबै हिन्दुस्तानी भाइ बहनको म प्रणाम गरूंगा। मैं एक्स आर्मी रिटायर हूँ, मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। मेरा नाम राजेंद्र तमंग, मैं पहले से भी बता चुका हूँ। मैं और दूसरे ये तीसरा वीडियो है मेरा जो आप लोगों के साथ अब मैं लाइव आ रहा हूँ। मैं देखिए दार्जिलिंग में 104 दिन स्ट्राइक हुआ है, मतलब आंदोलन हुआ है। उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ है? आखिर में जो है हम गोरखों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है बंगाल गवर्नमेंट ने। बंगाल गवर्नमेंट को भी मैं दो हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो सभी के लिए होता है ना। बंगाल में जितने भी रह रहे हैं, जितने भी जनता है, उन सभी के लिए गवर्नमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि हमारा गवर्नमेंट नहीं है और हम यहाँ पर जबरदस्ती उनके साथ रहने आए हैं और वो लोग हमें जबरदस्ती रहना नहीं दे रहे यहाँ पर। इस तरह का ट्रीट हमारे साथ हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो जिस दिन ये घटना हुआ है, जो अभी हाल ही में घटना हुआ है, जो पतलेबास करके नाम है एक, और वहाँ नीचे एक गांव है जो जिसका नाम है लिम्बू बस्ती, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर को जो है गोली लगा है और उनका मौत हुआ है। हमें बहुत दुख है क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर हमारा सुरक्षा के लिए आया था और यहां से वो जो है उनका एक मतलब मृत्यु हो गया है वहां यहाँ पर आकर के। और हमें बहुत दुख है हमें, क्योंकि हमारे एरिया में आकर के ऐसा हुआ है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं गवर्नमेंट को, पहले तो मैं एक जनता हूं इसलिए मैं गवर्नमेंट को मैं सीधा सीधा ये बोलना चाहूंगा। अगर आप लोगों को जनता गवर्नमेंट को अगर ये बात सही कराना चाहते हैं और जनता के आगे अगर आप लोग सही साफ सुथरी इमेज रखना चाहते हैं तो इस बात को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि उस दिन जो है गोली जो चले है तो पुलिस की तरफ से गोली चले है और गलती से ही सब इंस्पेक्टर को लगा हुआ है ये गोली, क्योंकि यहाँ इस साइड से गोली कोई नहीं चला है। जिस तरीके से गोलीबारी हुआ बोलकर के बहुत बड़ा न्यूज दिया है और जो न्यूज आया है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि हमारे साइड से गोली चला है या हमारे किसी ने गोली चलाया है, क्योंकि यहाँ पर गोली का तो नाम ही नहीं है, किसी के पास हथियार है नहीं, तो कैसे गोली चलेगा। और मुझे डाउट तब हुआ है जब ये मतलब सुबह तड़के हुआ था ये काम, 2:30-3 बजे के आसपास में कार्रवाई हुआ था और शाम को जाकर के इसका जो
शाम को जाकर के ये हथियार हथियार जो है दिखाना शुरू कर दिया कि ये हथियार बरामद हुआ है, इतना हथियार बरामद हुआ बोल करके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस पुलिस अधिकारी ने ये बयान दिया है, तो सबसे पहले तो उन पुलिस अधिकारियों को हथियार के बारे में मालूम ही नहीं है क्या क्या हथियार पकड़ा है बोल करके। मैं उनका बयान को सुनकर के बोल रहा हूं मैं ये बात। उन्होंने कहा है कि हथियार किसी मीडिया ने पूछा उनको कि हथियार क्या क्या पकड़ा है, तो उन्होंने कहा कि 9mm AKM-47 पकड़ा है बोला है। तो क्या है 9mm पिस्टल पकड़ा है या 47 क्या पकड़ा है? और हथियार दिखाया है वहां पर AK-47 राइफल जो है वो दिखाया है। तो इस तरीके का जो कार्रवाई हो रहा है तो थोड़ा पब्लिक के ऊपर सख्त तो आएगा ना, क्योंकि मैं पब्लिक हूं, मैं पब्लिक होकर के बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पब्लिक हूं। पब्लिक के ऊपर ये शक है, दुनिया का शक है, अभी किसी भी पब्लिक को पूछ लीजिए शक हो रहा है इस बात पर, क्योंकि हथियार आया तो आया कहां से आया ये अभी तक गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है। और वो हथियार लेके कहां गया है वो भी नहीं मालूम। अगर वो हथियार पकड़ा है तो किस कौन उसका सबूत है? पुलिस गया, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने लेके आया, वहां पर किसी गांव वालों को हस्ताक्षर लिया है उन्होंने, नहीं लिया है कि हथियार आपके गांव से बरामद हुआ बोल करके। वहां पर किसी नंबरदार या कोई गांव का जो मुखिया होता है उनको हस्ताक्षर लिया है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया है, नहीं लिया है, नहीं लिया है। वहां पर जो गोली चला है तो वहां के लोगों का बयान लिया है, नहीं लिया है। तो इस तरीके का कार्रवाई हो रहा है तो कैसे हो सकता है कि ये कैसे विश्वास करेंगे हम, कि हम बंगाल गवर्नमेंट को भी हम पूछना चाहेंगे कि ये विश्वास कैसे दिलाएंगे आप जनता को कि ये सचमुच में पकड़ा है बोल करके, ये हथियार पकड़ा है बोल करके कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि उस दिन आप लोगों का कार्रवाई ठीक नहीं हुआ है। देख लीजिए वहां पर सबसे पहले सुबह वहां पर आप लोगों ने जो किया है रेड किया है, तो रेड किसको बोल करके किया है? वहां गांव वालों को पता था या किसी और किसी को पता था? गांव वालों को जब ठीक है, गांव वालों को पता नहीं था, चलो रेड करने के लिए गया तो आप लोगों ने गांव वालों को नहीं बताया। जब रेड करके जब वापस आया तो वापस होते समय आप लोगों ने गांव से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया, नहीं लिया? क्यों? क्योंकि रेड हुआ ही नहीं था वहां पर, कहां हुआ है आप लोग जवाब दीजिए ना। वहां पर जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने गांव से लिया है कि हम आप लोगों के गांव में आकर के रेड किया था, यहां पर जो है आप लोगों के गांव में हथियार मिला है और वहां पर जो है इतना हथियार मिला है बोल करके आप लोगों ने गांव वालों से रिपोर्ट नहीं लिया? आप लोगों के गांव में हम आए थे, इतने फौज आए थे और आप लोगों के गांव में रेड करने के लिए आए थे और इतने बजे हम आए थे यहां पर, और यहां पर रेड करने के बाद हम आप लोगों के गांव में कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं, जिस काम के लिए आए थे हम उस काम के लिए आया हूं, और वहां पर जो है हम लोगों ने कोई ऐसा अमान्य तरीके से हमने कार्रवाई नहीं की है, जिस काम के लिए थे हम वो काम करने के लिए, आप लोग क्या संतुष्ट है बोल करके आप लोगों ने गांव वालों को पूछा है? गांव वालों से किसी ने हस्ताक्षर दिया है आप लोगों को? नहीं दिया है, क्योंकि ये कार्रवाई आप लोगों ने किया ही नहीं, तो कहां से करेगा, कहां से होगा ये? आप लोग टोटल यहां पर जो है हमारे जो है गोरखों को फंसाने वाले काम कर रहे हैं आप लोग। मैं एक इंडियन आर्मी का रिटायर हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मेरे साथ आकर के डिबेट बैठ सकते हैं इस काम के लिए। जो कार्रवाई हुआ है वो आपको तथ्य तक पहुंचेगा, मैं जो पूछूंगा वो आप लोगों को दिखाना चाहिए। आप लोगों ने कोई कुछ कार्रवाई किया ही नहीं, आप लोगों का ढंग का कार्रवाई हुआ ही नहीं वहां पर, तो कैसे आप लोग बोल सकते हैं कि ये हथियार जो है यहां पर मिला बोल करके नेशनल चैनल में कैसे दे सकते हैं आप लोग? आप लोगों के पास कोई प्रूफ है? नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और पुलिस वाले जो है वहां पर जाकर के दुनिया गांव के लोगों को तंग कर रहा है, रोज आ रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है आप लोगों का। रेड का तरीका क्या है? रेड का तरीका यह होता है कि गांव वालों को किसी को बताता नहीं है, ठीक है मैं मानता हूं, क्योंकि बताएगा तो वो भागेगा, आप लोगों को मालूम है ना। जब आप लोग गांव में जाओगे तो गांव में जाने के बाद वहां पर गांव का एक मुखिया को साथ में रखते हो, ठीक है, और लोकल पुलिस भी आपके साथ होता है, जो लोकल भाषा जानता है वो पुलिस भी आपके साथ होता है। किसी गांव का टीचर या कोई बड़े व्यक्ति को आप साथ में रखना चाहिए, आप लोगों को साथ में नहीं है। और वहां पर रेड होने के बाद आप लोगों ने उस गांव से
उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को आपने साथ रखा था उस व्यक्ति को जो है आप लोगों ने साइन लेना चाहिए कि आपके गांव में हमने कोई ऐसा डैमेज नहीं किया है, जिस काम के लिए आया था हम उसी काम के लिए हम करके जा रहे हैं, क्या आप संतुष्ट है वो करके उनसे पूछना चाहिए था। और जो हथियार पकड़ा, खास करके बहुत बड़ा बात सवाल ये है कि हथियार पकड़ा आप लोगों ने, 9 AK-47 राइफल पकड़ा है, तो वो 9 AK-47 राइफल जब पकड़ा तो किसने देखा है, किसने देखा है ये आप लोग हमें बता दीजिए, आप लोग हमें संतुष्ट करा दीजिए कि ये हथियार यहीं से पकड़ा है और ये हथियार जो है उस दिन पकड़ा है जिस दिन ये हमारा जो मलिक अमिताभ मलिक जी को जो है मैं बहुत दुख से बोल रहा हूँ अमिताभ मलिक जी को, क्योंकि उस दिन उसी दिन की घटना है ये, जो एक सब इंस्पेक्टर है बहुत अच्छा इंस्पेक्टर था और हमने सुनने में आया कि वो एक जुनून था उनमें जो बहुत अच्छे, मतलब एक पुलिस फोर्स में होना चाहिए उस तरीके का इंस्पेक्टर थे बोलकर के हमने बाद में पता चला। और उनके घर वालों को भी हम दुख प्रकट करते हैं और उनके माँ बाप को भी हम दुख प्रकट करते हैं। अगर आने वाले दिन में हो सके तो आप लोग आए और वो जगह देखे कहाँ पर हुआ था, वो जगह आप लोग देखे, हम गोरखपुर जो है आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोग आए और हम लोग खुद लेके जाएंगे उस जगह में और वहां दिखाएंगे क्या हुआ था बोल करके, और आप लोगों के साथ हम है, हमारा झगड़ा बंगाली जाति से नहीं है, क्लियर सुन लीजिए कि हमारा झगड़ा जो है बंगाली जाति से नहीं है, बंगाली भाई जो है हमारा बहुत प्यारे दोस्त है, अभी भी मेरा दोस्त है वहां पर, अभी भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ तो मेरा बंगाली भाई मेरा दोस्त लोग है वो लोग मेरा वीडियो शेयर करते हैं, वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और वो लोग शेयर कर देते हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे बंगाली भाई हैं अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई चाय का दुकान कर रहे हैं, कोई मिठाई का दुकान है, कोई किसी का बेकरी है, किसी का शोरूम है, किसी का कपड़े का दुकान है, वो लोग हमारे साथ अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है टोटली हमारे साथ जो है एक डिवाइड एंड रूल्स बना रहा है, मतलब आप लोगों के साथ हमारा जो है जबरदस्ती ऐसा बना रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है जैसे कि हम बंगालियों के साथ हम बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, बंगाली को पसंद ही नहीं करते, इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट। तो मैं सभी हमारे जो जितने भी बंगाली भाई है उनको मैं गुजारिश करूंगा, मैं एक इंडियन आर्मी एक्स सोल्जर हूं मैं, तो मैं अपना फर्ज समझूंगा कि आप लोगों के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है और हम आप लोगों को साथ रहना रह रहे हैं अभी तक यहाँ पर, हमारे साथ बंगाली भाई बहुत है यहाँ पर, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और आप लोगों को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ पर उन लोगों को कुछ नहीं करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे प्यार से ढंग से रहते हैं, वो लोग भी वर्कलैंड का आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी इच्छा से आ रहा है कि कोई फोर्सफुली नहीं कर रहे उन लोगों को, ना तो उन लोगों को ऐसा कोई मलाल है कि यहाँ पर आकर के हम फंस गए, इस तरह का मलाल किसी के पास भी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन रेड हुआ था उस दिन जो है वहां का लोकल आदमी का जो है सिग्नेचर होना चाहिए कि आप लोगों ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लोगों के हाथ में होना चाहिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, और इसका जो है एनआईए का जो है जांच होना चाहिए, एनआईए के तरफ से जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और जो हम गोरखों के साथ हम जो इल्जाम लग रहा है वो जो है हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग देश प्रेमी है, देश के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं आज वीडियो में आ रहा हूं, तो आप लोगों के साथ फिर दोबारा वीडियो में आऊंगा। और ये जो कार्रवाई जो है बहुत गलत कार्रवाई हुआ है, तो मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत डाउट है इस कांड में, क्योंकि जिस तरीके से एक पुलिस आला अधिकारी ने एक वेपन्स के बारे में नहीं मालूम, वेपन्स के बारे में बिल्कुल उसको नाम ही नहीं मालूम, तो ये लोग जो है ये लोगों के कारण से जो ये अमिताभ जी जो है वो देहांत हुआ है, मृत्यु हुआ है, तो मुझे डाउट है कि ये कहीं पुलिस फोर्स के गोली से लगा है और अपने गलती छुपाने के लिए ये बहुत कुछ नाटक कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये अगर ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट जो है इसके बारे में सीरियस होना चाहिए और जनता को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। अगर यहाँ का लोगों ने फायर किया है तो हम गवर्नमेंट के साथ है, हम गवर्नमेंट के साथ देंगे, वो कहां जाएगा छुप के, कहां जाएगा छुपने के लिए तो इधर ही रहेगा ना, और इधर नहीं रहेगा तो कहां रहेगा, और आएगा भी इधर ही ना, जहां छुपने के लिए कहीं भी जाएंगे तो फिर बाद में आना यही पड़ेगा, जब भी आएगा तब भी हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये आदमी आ गया बोलकर के, आप पकड़ के ले जाइए, इसको फांसी का सजा दीजिए, क्योंकि एक कौम एक आदमी जो है पूरा कौम का नाम बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा डाउट पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारा डाउट है
जो है जिस दिन गोली फायर हुआ है उस दिन का जो है पूरा तथ्य जो है जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जनता यहाँ पर बदनाम हो रहा है और हम किसी के साथ बदनामी मोलना नहीं चाहेंगे। हम डेमोक्रेसी तरीके से हम अपना मांग मांगेंगे, अपना मांग मांगना सबका अधिकार है। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ विदा होना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर मैंने गलत बोला है तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और अच्छा ही लगा तो आप लोग पूरा देश भर में शेयर कर दीजिए, खुलेआम मैं हूँ आपके साथ। अगर कोई बोलना चाहते हैं कि आपने भी ये वीडियो क्यों शेयर किया है, तो मैं बैठूंगा डिबेट में, मैं बैठूंगा उस दिन को लेकर के डिबेट में, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी सोल्जर हूँ। इसका इस कार्रवाई के लिए मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जिस तरीके से ये कार्रवाई हुआ है। तो आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम है। और दीपावली का दिन है, दीपावली के दिन अच्छे से मनाइए, सुरक्षित रहिए। पटाखा जो है थोड़ा दूर में अपने घर के बगल में, अपने छोटे छोटे बच्चों को पटाखा फोड़ना मत दीजिए, क्योंकि हादसा हो सकता है। ऐसे हादसा होगा तो फिर क्या कि सभी को देशवासी को दुख पहुंचता है। इसलिए सेफ्टी रहिए और हैप्पी दशहरा का बहुत सॉरी दीपावली, और दीपावली का बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों के साथ। नमस्कार।